हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 3 दिन का ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये वीडियो। तो मम्मा यहाँ बैठी हैं दूध के लिए और यहाँ पे बिल्ली घूम रही है और आज मनु का है बर्थडे, तो मनु को गिफ्ट मिला है क्या, चॉकलेट्स, तो वो शेयर कर रही है और हम लोगों ने मिल बाँट के सारी चीज़ें खा ली हैं। और सुबह सुबह से गिफ्ट मिलना शुरू हो गए हैं लड़की को, लड़की बहुत खुश है। और हैप्पी बर्थडे मनु, फिर से मैं बोल रही हूँ, तुम हमेशा खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराती रहो हमेशा। मेरी फेवरेट। हैप्पी बर्थडे मनु। आज इस लड़की का बर्थडे है और आज इसने 2 बजे नहाया है, 2 बजे पूरा। आज थोड़ा सा काम करते करते सबको ही लेट हो गया था, तो ये 2 बजे अभी नहाई है और पूजा कर रही है। और इसके बाद मैंने की अपने नानी की हेयर स्टाइल, ऐसे बना देती हूँ तो नानी के बाल आगे नहीं आते हैं। और ये है खजूर चोटी और नानी बहुत मेरी हैप्पी रहती है इस चोटी से। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ और कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और इसको बहुत चोरी से मैंने लिया है क्योंकि ये बिल्कुल कैमरे में नहीं आता है, ऐसे ही धोखे से मैंने इसको वीडियो में कैप्चर किया है। तो गोलू सॉरी अगर तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर इसके बाद हमें थोड़ा सा सामान लेना था तो मैं मनु के साथ दुकान गई थी और फिर हम सामान लिए, फिर घर आए। ये मनु के मामा की बेटी है जो कि बहुत शैतानी करती है, और आपके घर में बच्चे हैं तो बताइएगा। फिर यहाँ पर मैं रेडी होके केक कटिंग के लिए आ गई हूँ, तो बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और सिंपल सी साड़ी मैंने पहनी है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो बनवा रही थी अपना, लेकिन लाइट का थोड़ा सा इशू था। इसके बाद मैंने मनु का थोड़ा सा मेकअप किया है, बिल्कुल लाइट मेकअप किया है और सिर्फ काजल और बीबी क्रीम वगैरह ये मैंने लगाया था, लाइनर लगा दिया था, बस मेकअप डन था क्योंकि उसको ज़्यादा मेकअप कराना नहीं था। और थोड़ा सा ही बोल रही थी कि थोड़ा सा ही मेकअप कर दो। तो हम लोगों के यहाँ सिंपल तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था मनु का और कोई नहीं आया था, मतलब हमारे मोहल्ले में एक लड़की की डेथ हो गई थी इसलिए भाभी ने किसी को भी नहीं बुलाया और ऐसे ही नॉर्मल सा सेलिब्रेट हो गया। फिर इसके बाद ये मामा की लड़की है जो मनु के, तो बोली मुझे भी लिपस्टिक लगानी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लगा देती हूँ। तो आप देखिए कितने अच्छे से लगवा रही है ये लिपस्टिक, और बोल रही थी मुझे नेल पेंट लगानी है, मुझे पाउडर लगाना है, पता नहीं किस कितने शौक है इसको। तैयारी में है और वो कटोरी और चम्मच लेके बैठ गई है कि मुझे जल्दी केक कटे और मुझे खाने को मिले, तो चलिए केक काट लेते हैं। इसके बाद मैंने रात में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर इसके बाद मैं मॉर्निंग से रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज है कल्लू का बर्थडे, मनु के भाई का, जो कि मनु बड़ी है 2 साल 1 दिन की। तो यहाँ पे मनु घर पोत रही थी, इसके बाद मैं घर वापस आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने ये बॉक्स लिए थे, आपके साथ मैंने बताया था, लेकिन मैं इसमें रिफ़िल नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला फ्रेंड्स। और इसको मैंने धो के अच्छे से रख दिए थे। इसके बाद यहाँ पे भाभी नहा के आ गई हैं, तो पूजा करने जा रही हैं और मैं बैठी थी यहाँ पे, और यहाँ का व्यू देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा था। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे बहुत याद आ रही है घर की, लेकिन क्या करें, हमेशा घर में मायके में नहीं रह सकते हैं फ्रेंड्स, तो ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे और रात में साबूदाना वगैरह जो भी बना था वो खा रहे थे। ये क्या ली हूँ हाथ में, हाथ में क्या ली हो, हाथ में अब वो गुड्डा गुड्डा है, देख इत्थे हुआ मिठू, देख कैसे भी खा। सो फ्रेंड्स, मैं कल मार्केट चली गई थी तो कल तो मैं ये नहीं बना पाई थी, इसको चौक बोलते हैं, कोडर बोलते हैं हमारे यहाँ, जब बच्चों का बर्थडे होता है तब डालना चाहिए और बुआ ही डालती हैं। तो मनु के बर्थडे में तो मैं नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैंने बताया कि अच्छे से मनु का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ क्योंकि मोहल्ले में एक लड़की ख़त्म हो गई थी, तो कल हो गया, मतलब सिंपल तरीके से केक कट गया है, बस हो गया। तो यहाँ पे मैं कल्लू के बर्थडे के दिन ये कोडर डाल रही हूँ, कहते हैं बुआ डालती है तो बहुत शुभ माना जाता है, तो भाभी ने बोला तो मैं डाल रही हूँ। और बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है क्या, ऐसे रीत रिवाज है कुछ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा।
मैं जा रही हूँ। उतनी दूर है फुल्की वाला। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं फुल्की वाले का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि हमें फुल्की खानी थी और यहाँ पे फुल्की वाला फाइनली आ ही गया लंबा इंतज़ार करने के बाद। तो अब बताइए कि आपको दही पूरी पसंद है या पानी वाली। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और ये है कल्लू का केक कटिंग टाइम। तो इसको हम इंजॉय कर रहे हैं विद फैमिली। यहाँ पे मेरी मम्मी जो साड़ी पहनी है वो साड़ी कल्लू जब हुआ था तब मेरे पापा लेके आए थे, तो आज पहनी थी तो कल्लू बहुत ज़्यादा खुश था। और यहाँ पे मनु मतलब राज के दोस्त ने गिफ्ट किया है ये चॉकलेट का सेलिब्रेशन पैक, तो इसमें बहुत सारी चॉकलेट थी और मेरे फाइव स्टार चॉकलेट उसने मुझे खाने को दी थी। इसके बाद ये कल्लू के मतलब राज के मामा जी लेके आए थे ये सैंडविच मेकर और ये बहुत अच्छा है। तो देखेंगे अगर मैं कभी घर वापस गई तो कभी ट्राई करूँगी क्योंकि कल्लू के मामा वहीं पे रहते हैं, पास में ही है उनका घर। इसके बाद कल्लू ने मुझे ये फाइव स्टार खाने को दिया था तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ पे बैठे हैं कल्लू के मामा और उनकी बेटी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैंने छत में एक जगह देखा खरगोश और दूसरे छत में देखा मैंने बिल्ली। और यहाँ पे मनु को परेशान कर रही है उसके मामा की बेटी कि मुझे जाना है बुआ के पास छत में, और मनु लेके आ नहीं रही थी क्योंकि उसके पास और काम थे। और इसके बाद मम्मी भी धुल रही है गेहूँ और हमें आज जाना है कहाँ, गांव। और आपको मैं लेके चलूँगी अपने गांव और सबसे मिलवाऊँगी। और यहाँ पे मेरी पैकिंग होगी क्योंकि मुझे गांव से वापस आने के बाद जाना है मुझे घर। और आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है। और जा रहे मिट्टू, बाय बाय। बाय बोल दो मिट्टू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ गांव का व्यू जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ पे सरसों के खेत थे, गेहूं के खेत थे, चने के खेत थे और इतनी अच्छी हरियाली थी चारों तरफ की, नज़र को ऐसा सुकून मिल रहा था ना फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। और आप सब बताइएगा कि आपको गाँव पसंद है या नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं अपने गाँव आती जाती रहती हूँ। और इसके बाद मैं आप सभी को मिलवाऊंगी अपनी तीन बड़ी मम्मी से क्योंकि गांव में मेरी तीन बड़ी मम्मी रहती हैं और दो लोग हम लोग सतना में रहते हैं, बड़े और छोटे। मेरे पापा सबसे छोटे हैं और जो भैया हैं बगल में वो सबसे बड़े पापा के बेटे हैं। और तीन फैमिली मेरी रहती है गांव। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं जैतवारा और यहाँ पर पूरी मार्केट लगती है रोड में और छोटा सा कस्बा है बट यहाँ पे हर ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। गांव में ज़रूरत की चीज़ें कम ही मिलती हैं फ्रेंड्स क्योंकि गांव में अभी इतनी शॉप वगैरह नहीं है तो सबको जैतवारा ही आना पड़ता है लेने। तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए तो यहाँ पे मैंने जितना मेरे से हो सका है पॉसिबल तो मैंने वीडियो बनाया है। और यहाँ पे मतलब हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती, बस यही है कि गांव से आना पड़ता है और ज़्यादा दूर नहीं है, 6 से 7 किलोमीटर दूर होगा गांव से। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा था। और हम अब पहुँचने वाले हैं अपने घर, तो मैं आप सभी को मिलवाती हूँ अपने घर पहुँच कर।
यहाँ से हमारा थोड़ा थोड़ा घर दिख रहा था, और यहाँ पे मेरे बड़े पापा के बेटे कहीं जा रहे थे तो निमंत्रण में तो उनकी बेटी है और बड़े पापा के बेटे, हमने इनसे मिला। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पापा का स्कूल। मेरे पापा यहाँ 5वीं तक पढ़ाई किए हैं, इसके बाद मेरे पापा चले गए थे यूपी में पढ़ाई किए हैं पूरी। और मैंने पापा का, जब मुझे पहली बार पता था कि मेरे पापा यहाँ पढ़े थे तो मुझे लगा कि मैं देखूँ अच्छे से। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ बड़ी मम्मी के घर, सेकेंड नंबर थर्ड नंबर वाली बड़ी मम्मी के घर पहुँची हूँ, और सबसे मिलवाती हूँ मैं आप सभी को। और डायरेक्ट बात नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि मैं उनसे ये भी नहीं बताऊँगी कि यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, पर मैं आप सबको दिखा दूँगी कि ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मेरी बड़ी मम्मी है थर्ड नंबर की। और ये हम लोगों के यहाँ जब हम कहीं से आते हैं तो ये नियम होता है, रिवाज होती है कि पानी उतार के फेंका जाता है, और ये कल्चर हमें बहुत पसंद आते हैं, जो पुराने ज़माने के जो कल्चर हैं वो चलते हैं। और ये हमारे सतना में भी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी रीति रिवाज हैं वो चल ही रहे हैं। और ये मेरी भाभी है, इनकी बड़ी बहू, और इनकी ये छोटी बहू है, और उन्हीं का ये छोटा बेटा, और बहुत क्यूट ही था। और ये मेरी भाभी मेरे पैर पड़ रही हैं, और बहुत क्यूट है इनका बेटा जो कि बहुत शरारते कर रहा था, गोदी में तो आ ही नहीं रहा था फ्रेंड्स। इसके बाद हमने इसको बहुत खिलाया और बहुत क्यूट लग रहा, बताइएगा ना आप कमेंट करके। और इसके बाद यहाँ पे सारे बच्चे स्कूल से आ गए थे तो हम लोग उनके पास ही बैठे, और बढ़िया दरबार चल रहा था, और हमें 2-3 जगह और जाना है। और यहाँ पे भाभी ने चाय बना के अपने बेटे से भेजी थी, ये मेरे भाभी का बड़ा बेटा है, तो हमने चाय पी और अब हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे देखिए लल्ला को कैसे अमरूद खा रहा है, बेर खा रहा है, ऐसा लग रहा है सारा कुछ खा जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं खाएगा, सब फेंक देगा और कुछ नहीं। और देखिए यहाँ पे रोना शुरू। और यहाँ पे हमारे जाने का नंबर आ गया, और भाभी मुझे पैसे दे रही थी तो मैंने बोला हम पैसे लेने नहीं आए हैं, लेकिन होता है ना कि देना होता है आपके पास जितना भी हो, लेकिन देना चाहिए, और अपने से छोटे को देना चाहिए, चाहे आपके पास 10, 20, 50, 100, प्रेम देखा जाता है और पैसे नहीं देखे जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने फाइनली लल्ला को ले लिया था, और यहाँ पे लल्ला को देखिए बड़ा खुश लग रहा है, और अब इसको हम बैठाएंगे ऑटो में। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने सबसे बड़ी, नहीं सॉरी, सेकंड नंबर वाली बड़ी मम्मी के घर, और अब हम मिलाते हैं अपनी भाभी से। और अभी जो भाभी 1 तारीख को गई थी ना सतना, वही भाभी हैं, और ये उनका घर है, ये हमारा रियल वाला गांव का घर है, क्योंकि बड़े पापा वहाँ रहने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे दादी बब्बा और भाभी रहते हैं। यहाँ पे फिर से पानी उतारा जा रहा है, और ये रही मेरी भाभी। और यहाँ पे घूंघट का रिवाज है फ्रेंड्स, क्योंकि गाँव है, गाँव में घूंघट वगैरह सब रखते हैं। और चलिए अब बैठते हैं। और ये है मेरी बड़ी मम्मी, और मेरे बड़े पापा के बेटे, और दीदी का बेटा भी है, और उनकी बेटी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि गांव में खाना कैसे बनता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होती है कि खाना बना के पहले से नहीं रखा जाता है, क्योंकि ठंडा खाना नहीं खिलाया जाता है हमारे गांव में, गांव के साइड। वैसे तो यहाँ भी अब हो गया है पहले से खाना, कुछ कुछ चीज़ें आदमी बना लेता है लेकिन कुछ चीज़ें आदमी नहीं बनाता है। तो यहाँ पर मेरी बड़ी मम्मी बनाएंगी सब्जी, और उसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, और मैं बनाऊँगी चूल्हे में पूड़ी, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे भाभी का कमरा है, तो मनु वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने नाश्ता किया था, नमकीन खाई थी, सिंघाड़े खाए थे, अमरूद खाया था, और चाय पी थी, और उनका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मनु बाहर मोबाइल लेके बैठी थी। तो यहाँ पे बना रही हैं बड़ी मम्मी मेरी सब्जी, लेकिन थोड़ा सा हाथ बटाने के लिए बड़ी मम्मी के बेटे बैठ गए हैं, और उन्होंने बोला मैं बनाता हूँ सब्जी, तो यहाँ पर बना रहे हैं भैया सब्जी, और उधर आग लगेगी और बनेगी वहाँ पूड़ी। और यहाँ पे भाई साहब पी रहे हैं कटोरी में चाय, क्योंकि उनको मग में चाय पीना पसंद नहीं है।
तो यहाँ पे मैं बनाना शुरू कर रही हूँ पूड़ी, और चूल्हे में बैठी हूँ, बिल्कुल देसी स्टाइल में खाना बन रहा है, और विलेज स्टाइल बोल सकते हैं इसको, गांव के तरीके से, और बहुत अच्छा लग रहा था। रुकने का टाइम नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन ठीक है, सबसे मिलना जुलना चाहिए, टाइम टाइम से आना जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर घर से निकल जाओ तब तो अच्छा है, वरना घर के कामों से कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो अभी मैं मायके गई थी तो मुझे लगा मैं यहाँ से मिल लूँ सबसे, वरना घर से आने में थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे भाभी पी रही हैं चाय और मेरी भाभी बना रही हैं यहाँ पे मसाला, पीस रही हैं सब्जी के लिए, क्योंकि गाँव में तो मसाले पीस के ही सब्जी बनाई जाती है देसी स्टाइल में। और यहाँ पर अब लग रही है थाली, और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ पूरी, और भैया लोग उधर खाएँगे खाना। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमारी थाली रेडी हो चुकी है, तो अब हम भी खाएंगे खाना, और सब्जी पूरी सैलेड यही सब कुछ था खाने में। बहुत अच्छी बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी, क्योंकि चूल्हे में बनी थी, देसी स्टाइल में बनी थी फ्रेंड्स। तो अब हम खाना खाएंगे, अब हो गया है जाने का नंबर। तो यहाँ पर बिट्टू को बोल रहे थे कि आ जाओ बेटा गोदी में, लेकिन ये लड़की सुनने को तैयार ही नहीं थी, बिल्कुल भी पास में नहीं आ रही थी फ्रेंड्स। चला भैया तुम घूमा। हमारे साथ चलोगी? कल आएंगे बड़े पापा से ले जाएंगे, नहीं जाओ तू कर नहीं पहने हो कपड़ा तो नहीं लाए कपड़ा रही न रात रोके में कपड़ा ले यार कल मुझे ले चल चल ले कपड़ा यहाँ पे भैया की बेटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो आने जाने के लिए घर तैयार ही नहीं थी, और यहाँ पे अगर लेके आ जाते तो फिर कैसे घर जाती, रात में बहुत ज़्यादा परेशान करती। तो यहाँ से भी हम चल दिए हैं, और शाम का समय होना शुरू हो चुका है, और यहाँ पे पहुँचे हैं हम अपने मौसी के घर, मतलब थर्ड नंबर की बड़ी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरी मम्मी की ये सिस्टर भी है, तो मौसी भी है और बड़ी मम्मी भी है, तो ये मेरे दीदी की बेटी है। और यहाँ भी हमने पी थी चाय, और मैं अपने मौसी की बगिया दिखाती हूँ, और ये है मेरे दीदी की बेटी। और चलिए मैं मौसी की बगिया दिखाती हूँ आप सबको, कि इतनी छोटी सी जगह में उन्होंने क्या क्या लगाया है, और कैसे सब कुछ तैयार करके रखती हैं। यहाँ पे देखिए सारा कुछ उन्होंने खुद से लगाया है, हुआ है। और फिर इसके बाद हम निकल गए हैं घर वापस, क्योंकि मुझे घर मतलब अपने ससुराल आज जाना था, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं घर, और फिर जल्दी जल्दी पैकिंग की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पैकिंग कर ली थी, लेकिन मम्मी ने इतना सारा सामान दे दिया, एक झोला और तैयार हो गया था, लेकिन ठीक है कैसे भी करके मैनेज हो गया था। और अब हम पहुँचने वाले हैं घर, और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शाम के 6:30 या 7 बज रहे हैं समथिंग। और ये है 13 जनवरी का लास्ट वीडियो है, और इसके बाद यहाँ पे मेरी नानी इंतज़ार कर रही थी, और हम लोग घर आ गए हैं। तो इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, और इसके बाद मैंने सीधे ससुराल का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। सो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूं घर, और मेरी मम्मी आज मेरे लिए बना रही हैं चावल की रोटी, क्योंकि बहुत दिनों से बना रही थी, मैं यहां पे थी नहीं, तो मम्मी हाथ से पो रही हैं रोटी और मैं सेंक रही हूं, और इसके बाद सब मिलके खाना खाएंगे, और मैं मिलती हूं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर साझा करिएगा मेरा वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।